हाय एवरीवन, दिस इज नेहा फ्रॉम राजकुमारी ड्रेस अप लाइक अ प्रिंसेस। और काफी टाइम पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, वीडियोस की सीरीज, जिसमें मैं बता रही थी कि क्या हमें बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बिजनेस ओनर्स को। तो उसी सीरीज में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, वो आप हमारी वीडियोस की चेकलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, ऑलवेज कीप योर स्टाफ मोटिवेटेड, जो मैंने दो तीन और बना रखे हैं वीडियोस इससे पहले के इस सीरीज के, उनका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इन वीडियोस से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं सारे के सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स की क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और उन चैलेंजेस से बचने के लिए हमें क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं फॉलो करनी चाहिए। तो उसी का है ये पार्ट। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है कि ऑलवेज कीप योर स्टाफ मोटिवेटेड, मतलब ये एक बहुत ही मेजर पार्ट है कि अगर आपका स्टाफ मोटिवेटेड रहेगा, जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं, अगर वो ही मोटिवेटेड नहीं है तो बिजनेस को ग्रो करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हमें, जो बिजनेस ओनर है उसे हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसका जो स्टाफ है वो हमेशा मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए। तो इसको करने के लिए आप कुछ छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल से स्टेप्स ही कर सकते हैं अप्लाई, जो कि बजट फ्रेंडली भी होंगे और बहुत ज्यादा आपका खर्चा नहीं लगेगा। तो इसके लिए जैसे आप कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो आप एक छोटी सी पार्टी कर सकते हो, जिसमें आप सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं उस पार्टी में, और उनके लिए कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं इस पार्टी में। तो एक ये भी तरीका होता है अपने स्टाफ के साथ कनेक्टेड रहने का और उन्हें मोटिवेटेड रखने का। और मेरा ये तरीका है, मतलब मैं अगर कभी भी बिजनेस में अप एंड डाउन्स आते हैं, सपोज सेल्स बहुत कम हो रही है, तो मैं उनको कभी भी ये चीज फील होने नहीं देती हूँ कि सेल्स लो है। मतलब उस समय मैं कुछ और काम ऐसा दे दूंगी उन्हें जिससे कि वो स्टाफ एंगेज्ड रहे, और वो जो हमारा लो सेल्स पीरियड होता है उसमें भी हम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम उनसे ले सकें। तो उसके लिए मैं हमेशा ही अपने माइंड में प्लान बना के रखती हूँ कुछ, जैसे कि हमारा जो क्लोथिंग बिजनेस है, इसमें कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल्स काफी लो होती है और कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल्स बहुत हाई होती है। तो हम उन मंथ्स के लिए प्रिपरेशन इन लो सेल वाले मंथ्स में हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें अपने स्टाफ को हमेशा मोटिवेटेड रखना पड़ता है, क्योंकि सपोज सेल कम है, ऑर्डर कम है, तो उन्हें लगता है कि यार मेरे पास काम नहीं, और इस काम ना होने की वजह से वो आपकी कंपनी को छोड़ भी सकते हैं। तो उनके पास हमेशा काम रहना चाहिए और उन्हें कभी ये फील नहीं होने देना चाहिए कि हमारे सेल कम हो रही है या बिजनेस लॉस में जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। इससे हमें अपने स्टाफ को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं शो करना चाहिए कि कंपनी में फाइनेंशियल क्या चीजें चल रही हैं। और इसी तरह से आप, मतलब छोटी छोटी पार्टीज करके, छोटे छोटे इवेंट्स में उन्हें इन्वाइट करके, या फिर किसी को, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है उसे कुछ छोटा सा प्राइस, कुछ अमाउंट दे सकते हैं आप लोग एज अ बोनस, या फिर आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं उन्हें। तो इन छोटी छोटी सी चीजों से उनका एक मनोबल बना रहता है। मेरे यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है, अगर आप लोग कभी मौका मिलेगा तो मैं मिलवाऊंगी और आपको उनकी बातों से और उनकी एनर्जी से पता लगेगा कि मैं कितना टाइम उनके साथ भी स्पेंड करती हूँ, ताकि वो लोग भी मोटिवेटेड रहो करके काम कर सकें और जो अच्छा काम करता है उसे अप्रिशिएट भी करें। और अगर आप किसी को डांट रहे हैं तो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसे, उस सामने वाले बंदे को बुरा नहीं लगे, कि बहुत ज्यादा निगेटिव वर्ड्स आप कन्वर्सेशन के टाइम पे मत यूज करें, कुछ पॉजिटिव बातें भी उसके बारे में साथ ही साथ बताएंगे तो उन्हें भी अच्छा फील होगा और वो मोटिवेट होकर के काम कर सकेंगे। तो ये है मेरा तरीका। आप क्या तरीका अपनाते हैं अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखने के लिए, तो आप भी हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम भी उन्हें अप्लाई करके देख लेंगे हमारी टीम में। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, और हमारी टीम काफी मोटिवेटेड रहती है और नए नए डिजाइन्स को बनाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो इस तरह से काम करने में आपको भी मजा आएगा और आपकी टीम को भी मजा आएगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल राजकुमारी ड्रेस अप्लाई का प्रिंसेस, और जुड़े रहिए हमारे साथ, शॉपिंग करते रहिए राजकुमारी से। थैंक यू, बाय बाय।